हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। आई एम प्रोफेसर दीपाली इंगड़े फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आवर टुडेज टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑन रेगुलर क्लोज्ड फिगर। नाउ कोर्स आउटकम्स, कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ रेगुलर क्लोज्ड फिगर एंड रेगुलर सॉलिड्स। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। After watching this video, you will be able to identify the regular closed figure. आप regular closed figure को identify कर सकते हो। Use the formula of regular closed figure. Regular closed figure का formula आप use कर सकते हो, बता सकते हो, and solve the example based on regular closed figure rhombus. यानी rhombus का formula का use करते हुए आप एरिया भी फाइंड कर सकते हो एंड डायगोनल्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जांपल्स ऑन रेगुलर क्लोज्ड फिगर। सो डियर स्टूडेंट, आपने इसके प्रीवियस वीडियोस में भी यही देखा है कि हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर फिगर जो है उसके एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, साइड्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे एक रेगुलर क्लोज फिगर है, वो कौन सी है, ध्यान से पढ़िएगा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पे रोम्बस ये एक रेगुलर फिगर प्रेजेंट है। तो आप सभी को पता ही है रोम्बस कैसे होता है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से भी आप कह सकते हो। सो क्या होता है कि रोम्बस के जो है सारे साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एक्स, अगर एक्स लिया, एक्स 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 यानी एक्स रहेगा क्या, फाइव 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 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए ये इस तरीके का भी हम डायग्राम निकाल सकते हैं। सो इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को, एंड यहाँ पे एंगल कितने का बनता है, 90 का, ये आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, दो डायगोनल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो रोम्बस का एरिया निकालने का तो दो फॉर्मूले हैं, तो दो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये आपको कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन रहेगी वो फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि रोम्बस का एक फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी d1 इंटू d2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, यानी हमें गिवन है डायगोनल्स दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो हम कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 d2 हम डायगोनल्स को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है कि गिवन क्या है, यस, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन डायगोनल 1, तो उसे हम d1 से डिनोट करेंगे, कितना है 16 सेंटीमीटर। डायगोनल 2 उसे हम d2 से डिनोट करेंगे, 13 सेंटीमीटर। तो अगर हमें डायगोनल्स गिवन है एंड एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा यहाँ पे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जो गिवन है उसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। सो d1 इंटू d2, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सो हाफ इंटू d1, d1 की वैल्यू कितनी है 16, इंटू d2, d2 की वैल्यू है 13, इस तरीके से। तो आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल सकते हो या फिर यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, सो ये कैंसिल होता है, कैंसिल होने के बाद यहाँ 8 रहेगा। ठीक है, सो क्या रहेगा ऊपर, 1 इंटू 8 इंटू 13, एंड नीचे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रहेगा 8 इंटू 13। तो देखिए स्टूडेंट,
आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर कैलकुलेटर का यूज़ तो हम एग्ज़ाम में करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 8 × 13, सो 8 × 13 इक्वल्स टू कितना बता रहे हैं, 104। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 104, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, यूनिट भी लिखना पड़ता है एरिया का। तो अगर मीटर दिया है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, एंड एरिया का यूनिट क्या होता है, उसमें स्क्वायर आता है। तो यूनिट कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स आएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले केयरफुली देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड वो देखते हुए ही फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है उसके लिए एक या फिर दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, दोनों के दोनों डायगोनल्स गिवन है, इसीलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, 1/2 × d1 × d2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर आया। अब हम और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो अभी देखिए सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है। सो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, समझना है, एंड उसी के बाद फॉर्मूला यूज़ करना है। इफ़ द एरिया ऑफ रोम्बस, फिर से रेगुलर क्लोज फिगर है, इफ़ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, इफ़ द एरिया इज, एरिया इज इसका मतलब क्या है, एरिया गिवन है, क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको बराबर यहाँ पे ध्यान देना है, इफ़ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया गिवन है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, एंड रोम्बस का एक डायगोनल उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। हमें क्या करना है, ये रोम्बस का जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ फाइंड करनी है दूसरे डायगोनल की। तो यहाँ पे गिवन है एरिया, तो अभी भी हमें पता है कि रोम्बस का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सामने वाली इंफॉर्मेशन बता रही है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सामने क्या गिवन है, वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल गिवन है, एंड फाइंड अदर डायगोनल, तो यहाँ फिर से दो डायगोनल का यूज़ होने वाला है, यानी हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया ये वर्ड आया हुआ है, ध्यान से देखना है, एरिया, तो हम एरिया का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, अगर डायगोनल्स गिवन है तो 1/2 × d1 × d2, ठीक है। तो बराबर अभी अभी हमने देखा रोम्बस यानी क्या होता है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं, डायग्राम निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं। सो इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, यस गिवन, एरिया ऑफ रोम्बस इज का मतलब इक्वल का साइन, कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो वन ऑफ इट्स डायगोनल है तो आप या तो डी वन ले सकते हो या फिर डी टू भी ले सकते हो, तो हम डी वन लेंगे। सो वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो हम डी वन से डिनोट करते हैं। सो इज का मतलब इक्वल, 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो अदर डायगोनल की लेंथ आपको पता है क्या, नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, ये हमें फाइंड करनी है। चलिए तो क्या गिवन है हमें, एरिया, सो हम एरिया ऑफ रोम्बस से स्टार्ट करेंगे। सो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, जब डायगोनल गिवन है क्या होता है, 1/2 × डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन, d1 × d2। अब केयरफुली इसके प्रीवियस एग्जांपल में क्या गिवन था, दोनों की दोनों डायगोनल गिवन थे एंड एरिया फाइंड करना था, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, एरिया गिवन है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, अरे देखिए ये तो गिवन है, कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखेंगे, बस एक डिजिट लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे है 24, उसके बाद में इक्वल का साइन, 1/2 जैसा का वैसा,
अब D1 की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 × D2, D2 तो पता ही नहीं है, वही निकालना है, तो D2 जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे आप अगर कोई नंबर ऊपर नीचे का कैंसिल होता है तो कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, यस, सो ये 2 × 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले पूरा लिख लेते हैं, 24 × 1 × 2 × D1 यानी 2 × D2। अब देखिए नीचे तो कुछ नहीं रहा, अब अगर मुझे D2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो D2 को अकेला रखना पड़ेगा, तो किसको हटाना है, 2। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, D2 लिख देते हैं एंड 2/24, ऐसा कैसे होगा। तो जो निकालना है, अगर आपको लगता है कि गलती नहीं होनी चाहिए, तो जो हमें फाइंड करना है उसको पहले उसी साइड में रखो, उसके आजू बाजू वाले टर्म को हटाओ, ठीक है। सो D2 फाइंड करना है मुझे, तो मैं D2 को इसी साइड में रखूँगी, 24 भी अपनी ही जगह पे है क्योंकि उसे भी मैंने चेंज नहीं किया है। अब देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड में जाएगा, तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में, हम सभी को पता है एडिशन में है तो यहाँ पे एडिशन में अगर टर्म है तो सब्ट्रैक्शन में जाती है, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में जाती है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, एंड डिवीजन में होती तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 × मल्टीप्लिकेशन में है 2, इस साइड में आने के बाद डिवीजन में चला गया। सो इस तरीके से हमें D2 की वैल्यू क्या मिल गई, आप इसे डिवाइड करिए, सो ये हो जाएगा 12 = D2। सो 12 = D2 का आप कैसे लिख सकते हो, सो देयरफॉर D2 = 12, एंड यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर, क्या आप यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं, क्या नहीं, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें D2 यानी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या मिल गया है, सो देयरफॉर D2 = 12 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, आप या तो D2 लिखें या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। सो अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, तो ये जो 2 एग्जाम्पल अभी आपने पढ़े हैं इसे केयरफुली देखिए, एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करिए, स्टॉप करिए, पढ़िए उसे, एंड उसके बाद में बराबर फॉर्मूला यूज़ करते हुए असाइनमेंट सॉल्व करने हैं आपको। सो ये असाइनमेंट है, यहाँ पे देखिए, ई द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर दिस एंड दिस सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 × D1 × D2, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम दिया है, यहाँ एरिया गिवन है तो आप वन डायगोनल गिवन है, अदर डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स आपको सारे के सारे प्रीवियस जो अभी 2 एग्जांपल हमने पढ़े हैं उसको देखते हुए बराबर फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जांपल्स ऑन रेगुलर क्लोज्ड फिगर। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।